जो भी हमने करेक्टर ले रखा है उसको हम डिलीट करेंगे। तो रिमूव कर दिया हमने। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला हम यहाँ पर एक करेक्टर ऐड करेंगे। तो क्लिक करेंगे ऐड, और ऐड करेंगे हम यहाँ पे एक मॉडल। तो हमने ये मॉडल ले लिया, और इसको अगर हम इसी मोड में ले लें, अब इसके बाद में हमें एक और ऐड करना है, और ऐसे में हम यहाँ पर एक ऐड करेंगे चेयर को। तो यहाँ पर चेयर हम ले लेंगे, तो यहाँ पर चेयर और बाकी सारे एक ऐड से खुल गया पूरा। तो ये अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक बार क्लोज करेंगे, दोबारा हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, ऐड करेंगे, लोड करेंगे। देखिए बच्चा यहाँ पर बैठ चुका है। एक और हम यहाँ पर ऐड करेंगे, और हम टेबल ऐड करेंगे। आप देखेंगे कि जो टेबल है वो हमारा थोड़ा सा, अब हम टेबल को टिक कर लेते हैं, और थोड़ा सा हम नीचे लाएंगे इसको, और थोड़ा सा हम आगे लाएंगे, थोड़ा सा हम ऊपर ले चलेंगे। और अब यहाँ पर हम पहले अपने कैरेक्टर को क्लॉथिंग करा देते हैं। तो ये क्लॉथिंग है यहाँ पे, ओके। नेक्स्ट हम अब इस पर कुछ और टूल ऐड करते हैं, जिससे कि ये देखने में अच्छा सा लगे। तो इसके अंदर हम यहाँ पर कप ऐड कर सकते हैं, हमने कप तो ऐड कर लिया, और इसको हमें ये थोड़ा सा क्या है, छोटा है, तो हम इसको क्या करेंगे, स्केल कर लेंगे। तो अब ये रेडी हो गया। अब हम इसको यहाँ से मूव पोजीशन पर लाएंगे, और इसको ला करके हम थोड़ा सा अभी थोड़ा इसे और ऊपर करना है, यहाँ पे थोड़ा सा और ऊपर ले चलते हैं। लेकिन इसका जो साइज है काफ़ी बड़ा हो गया है, तो हमें छोटा करना पड़ेगा इसे। वापस अब हम इसको रोटेट करेंगे ना, बल्कि मूव करेंगे इसको, और मूव करके हम इसको अब इसको थोड़ा सा हम स्केलिंग करके छोटा करेंगे, थोड़ा सा एक गड़बड़ हो गया है, तो अच्छे से, क्योंकि इसे हम अगर सेट करेंगे तो टाइम लगेगा। तो मैं यहाँ पर इसको दोबारा ले लेता हूँ, प्लस किया, और हम यहाँ पे एक दोबारा इसे लोड कर लेते हैं। लोड हो चुका है, लोड होने के बाद में इसको टिक करोगे, टिक करने के बाद में यहाँ पे स्केलिंग लगा हुआ है, स्केलिंग लेना नहीं हमें है, हमें लेना है टूल जो लेना है वो मूव वाला लेना है। तो हम क्या करेंगे, इसको तो कप आ चुका है यहाँ पर है। अब हम यहाँ पर कुछ और भी चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से अपने कार्टून को बनाने में आपको हेल्प मिलेगी यहाँ पर। जैसे मैं मोबाइल लेना चाह रहा हूँ, मोबाइल को मैंने ले लिया,
लोड करने के बाद में वापस इस टूल पे क्लिक करना है, इसको वापस ले है यहाँ पर, और सबसे पहला काम क्या है, इसे रोटेट करना है। रोटेट करने के लिए आप यहाँ पर रोटेट पर जाएंगे, रोटेट को आप यूज करेंगे अच्छे से, तो ये रोटेट हो चुका है। रोटेट होने के बाद में पोजीशनिंग के लिए अब आपको इसको लाना है, अब वापस हमें इसे स्केलिंग करना पड़ेगा, रोटेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा रोटेट करना पड़ेगा हमें अभी भी। तो रोटेट करने के बाद वापस वापस इसके हमें रोटेट करने की ज़रूरत लग रही है। अभी भी ठीक से दिख नहीं रहा है, तो पोजीशनिंग करेंगे थोड़ा सा इसको हम, बट अभी भी ये प्रॉपर में नहीं हो पाया, तो इसे हमें ज़रूरत पड़ेगी रोटेट करने की। तो हम हल्का सा इसे रोटेट कर लिए, ये आ चुका है और ये फाइनली हमारा कार्टून यहाँ पर तैयार हो गया दोस्तों। अगर आपको इस तरह बनाने में कोई दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इस टूल की मदद से आप और भी बहुत सारे तरह के एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं, और क्रिएट किए हुए इस एनिमेशन को आप अपने यहाँ पर इसको स्क्रीन रिकॉर्ड कर लीजिए। अभी इसके अंदर हमें बहुत सारे एनिमेशन हैं जो आपको दिखाना है, तो हम यहाँ पर हम पूरा टूल गायब हो गया, हम अच्छे से इसको देख सकते हैं आराम से पूरा का पूरा। तो हम पूरा स्क्रीन फुल में देखेंगे तो ये हमको पूरा बाकायदा अच्छे से दिख रहा है 3D स्क्रीन में। तो ये वीडियो कैसा